184. I'm already cutting this corner at 193, 196, 197, 198, 199. I'm at 201, 203, 204. Ta-da! So this is the most versatile luxury car you can ever have in your garage. And let me tell you why. Definitely expensive bhi isliye hai. So this is the Audi Q7. 2008 mein banayi thi Audi ne. Uske baad 2015-16 tak aayi hai. Uske baad jaake iska update hua hai. Aur ye sabse zyada luxury benchmark thi us time ki. So ye ek 2013 model car hai. So 2012 ke baad isme thoda sa facelift hua tha. Uske karan main isko changes bata deta hu. So this is actually a base model. इसके बाद एक normal model आता है, that is the premium plus, and then एक S line model आता है. तो when I call base model, that does not mean black bumpers and no power windows and all that shit. Let me tell you कि actually base model में ये किन चीजों को extra features समझते हैं. और also why this is a special car. तो ये एक client के लिए लिया है, जो बहुत ही अच्छी condition में थी. This has done 34,000 kilometers. थोड़ी off road treatment हुआ हुआ इसपे, because कल off roading करी है इसपे काफी. साफ होने वाली है, टाइम नहीं लगा, आराम से धुला धुलो के इसको डिलीवर करेंगे. टायर्स ब्रांड न्यू है. दिस इज 7 सीटर एसयूवी. दिस इज द फर्स्ट एसयूवी एंड आई थिंक मे बी उसके बाद मैंने देखी नहीं और कोई जिसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ नहीं थी. सिर्फ 2008 में डिजाइन करी है, याद रखना. इसमें एक तीसरी सनरूफ भी थी और ये आज तक कोई भी नहीं बना रहा. लोग पैनारोमिक सनरूफ अभी लेके आए हैं और उसी को इतनी कंपनियां वो करी जा रही है, वो इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी. ये पिछली सीट्स हैं जो फ्लैट बेड बन फ्लैट होके बेड बन जाती हैं. ये सीट्स रिक्लाइनेबल भी हैं एंड देन आगे पीछे भी होती हैं. इसके अंदर पीछे भी ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, दैट मींस 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बट ये बेस मॉडल है तो इसमें नहीं है. और इस कार में जो ओनर था उसने ओवर ट्रीटमेंट कराया हुआ, इट्स लाइक एवरी, जबकि 30,000 चली थी कुछ लोड नहीं थी, फिर भी हर चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग. सो दीज आर ऑल एक्स्ट्रा ओवर पैडेड सीट कवर्स, एक्स्ट्रा लेयरिंग, दिस ऑल्सो पीछे डिक्की में भी. और इसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है. अब अंदर से बताता हूँ क्यों स्पेशल है. तो पावर्ड सीट्स इन गाड़ियों में स्टैंडर्ड होती हैं, आगे पीछे. सो लेट मी टेल यू वाई दीज आर मोर वे एडजस्टेबल. इधर से पूरा बेस ऊपर नीचे होता है, अभी नीचे हुआ हुआ है, इससे आगे पीछे होती है. और फ्रंट भी होता है इनका, इससे इसका फ्रंट का जो ये वाला एरिया ये ऊपर नीचे होता है. सो यू कैन एक्चुअली सेट योर एंगल राइट. और इससे पीछे वाला जो ये वाला बेस एंगल है वो नॉर्मल वाला मूवमेंट है. ये लंबार सपोर्ट, लंबार सपोर्ट जिनको नहीं पता, इसके अंदर एक छोटा सा एरिया होता है, मतलब वो ऐसे बैठ के फील होगा, जो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण आप अपनी पीठ का एंगल सेट कर सकते हो. कमिंग इनसाइड, तो 2013 के बाद जो फेसलिफ्ट का तरीका है पहचानने का वो ये है कि उन ऑडी ने ये वाला स्टेयरिंग कर दिया था. दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ दिस कार, इसके बारे में भी बताता हूँ. सो दिस इज, इसको मैं बोलता हूँ वन टच, क्या बोलेंगे, वन टच पुश स्टार्ट और वन टच की स्टार्ट. सो ऐसे हमने स्टार्ट करी और सिर्फ एक बार प्रेस करके छोड़ दी एंड देन द कार गेट स्टार्टेड. तो इसके अंदर 2 सनशेड्स आते हैं, जैसे वैसे आप देख सकते हो, क्योंकि एसयूवीज में आप हाई बैठते हो ग्लास एरिया ज़्यादा होता है. इसी चला लेते हैं, ग्लास एरिया ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा धूप लगती है. तो एक वाले से आप लेफ्ट उधर एंगल कर सकते हो, इस वाले से सेंटर पे कर सकते हो. देन ऑटो डिमिंग मिरर्स, ऑल दैट, दिस इज ऑल स्टैंडर्ड, ऑल कम्स ऑलवेज इन स्टैंडर्ड इन ऑल दीज कार्स. सो ये वाला जो डैश लेआउट है ये एक्चुअली ऑडी का पुराना डैश लेआउट है. तो Q7 सबसे लास्ट में अपडेट हुई थी, एक सेकंड, Q7 सबसे लास्ट में अपडेट हुई थी. और ये इसकी सबसे सुंदर एयर सस्पेंशन, इसके अंदर 3 लीटर का V6 डीजल इंजन है. और एयर सस्पेंशन एसयूवी में क्यों खास है, बिकॉज हर एसयूवी का तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉडी रोल, उसको कंट्रोल करने की 2 सबसे सुंदर टेक्नोलॉजी और वो दोनों इस गाड़ी में, और आई थिंक इसी में आई थी, उसके बाद जाके दूसरा मैंने शुरू हुई, वो है एक ऑल व्हील ड्राइव. सो दिस इज अ क्वाट्रो ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव कार. एंड देन दिस एयर सस्पेंशन चेंजेस हाउ योर कार इज सेटअप ऑन द फ्लाई. सो इफ आई डू लिफ्ट, सो लेट मी टेल यू कि ये ऊपर कितनी हो जाती है. सो दिस इज फॉर द हाइएस्ट सेटिंग. अगर आप ऐसा कोई एरिया में हो, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, दिस कार विल रेज इट्स ग्राउंड क्लियरेंस. बहुत धीरे धीरे होगी, आपको वीडियो में सटल लेवल पर रिकॉर्ड होगा, पीछे से दिख रहा होगा. अब दिस लाइक आपको हाईएस्ट, मतलब बहुत ज्यादा रॉक्स वगैरह है उसको आ रहा है, तो आप ये लिफ्ट मोड करके कर सकते हो. ये 50-60 की स्पीड के ऊपर नहीं चल सकता. नाउ आई थिंक नाउ यू कैन सी की गाड़ी कितनी उठ चुकी है, बहुत धीरे धीरे उठती है. सो दिस इज लाइक द हाईएस्ट सेटिंग. इसमें पता नहीं कितने एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस है, बट बहुत ज्यादा है. सो एक तो हो गया आपको हाइट चेंज करने के लिए, तो लिफ्ट और सी. सो दिस इज लाइक द मैक्सिमम. सो लिफ्ट के अंदर सबसे ऊपर चला जाएगी, ऑफ रोड के अंदर थोड़ा सा नीचे आ जाएगी,
सो लिफ्ट की जरूरत बहुत कम पड़ती है. ऑफ रोड भी फिर भी नॉर्मली कंफर्ट मोड पे भी इसकी बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं. ऑफ रोड में थोड़ी सी नीचे आएगी, कंफर्ट में ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगी, नॉर्मल रहेगी, मीडियम हाइट रहेगी. बट द कंफर्ट की मेन बात है कि गाड़ी आपकी सॉफ्ट रहेगी. सो खराब सड़कों से निकलने के लिए, नॉर्मल स्पीड्स के लिए कंफर्ट इज द बेस्ट. और आपको अगर शायद पता होगा कि एंडेवर और फॉर्च्यूनर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि एंडेवर सॉफ्टली सेटअप है. एटलीस्ट जो बाद वाली आई है, 3.2 मैंने चलाई नहीं, तो 3.2 के बाद वाली जो जितनी एंडेवर्स हैं वो सॉफ्टली सेटअप है. तो अगर आप उनको खराब सड़कों पे चलाते हो तो बहुत कंफर्टेबली बहुत पैर से निकल जाती है, बट जैसे ही हाई स्पीड पकड़ते हो, 100 से ऊपर जाने की कोशिश करते हो, तो वो वॉबल करती रहती है बिकॉज इट्स सॉफ्टली सेटअप. अब रैश उसको चलाने में थोड़ा रिस्क रहता है. 2.0 जो मैंने चलाई है लेटेस्ट वाली जो बंद हुई थी, देन जो फॉर्च्यूनर है वो उल्टा है, वो स्टिफ सेटअप है. तो तभी बहुत लोग फील करते हैं कि फॉर्च्यूनर उतनी कंफर्टेबल नहीं है. इनोवा शायद ज्यादा कंफर्टेबल है, फॉर्च्यूनर में खड्डे फील होते हैं. बट आपने देखा होगा कि फॉर्च्यूनर हाईवेज पर लोग बहुत रैश चलाते हैं, उसका कारण है कि फॉर्च्यूनर स्टिफ सेटअप है. बट द best way of all this is that you can actually set up this car on the fly. So yaar, this was any day ahead of even today's top of the line cars and you have no idea. Aur uske baad jo inki soch thi wo literally log soch nahi pate wahan tak. Ab main dynamic mode mein jaise chala raha hu, ek bar u-turn leke aapko batata hu ki kitni speed pe gaadi chal sakti hai. It goes 0 to 100 in 7.9 seconds, 7.7 to 7.8 seconds, which is freaking awesome for an SUV. Then ye inka is gaadi ka sabse chhota wala engine hai. ये 3 लीटर एक्चुअली सबसे छोटा इंजन है, इसके अंदर 4.2 आता था, दैट वाज अ V8. एंड देन उसके बाद शायद इसमें आता था या आई थिंक पोर्शे कायन में वो आया था. 4.2 के ऊपर भी इनका एक V12 भी है, वो और वो टूरैक वाला इंजन है, वो इसमें आई थिंक आता था, नहीं आता, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से आता था Q7 में. बट दिस एक्चुअली इज द मोस्ट कॉमन डीजल इंजन और इसी में बहुत ज्यादा पावर है. तो इंडिया में उन्होंने सबसे लोअर पावर ही निकाले हैं, जो एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत पावरफुल है. तो इंडिया में भी इसको चला के भगा के बहुत ज्यादा मजा आता है. एंड देन अबाउट द बाइंग स्टोरी एंड एवरीथिंग, तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट रेंजेस है इस गाड़ी की, तो कंडीशन के हिसाब से ये गाड़ी 1575 की लिस्टेड थी और मेरे को टारगेट था, जबकि 2013 वाली मॉडल गाड़ियां 12 लाख 13 लाख की मिल जानी चाहिए, 12 लाख 13 लाख की मिल जानी चाहिए. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने A6 वाली वीडियो देखी है, सो एक 12 लाख 90 हजार या 13 लाख तक की भी एक 2014 फर्स्ट ओनर 40 हजार गाड़ी चली अवेलेबल है मार्केट में, बट इसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो ज्यादा चली है, उसका मीटर वर्क कराया हुआ है और लोग बस कुछ भी ऐसे बेचते हैं. तो सेकंड हैंड मार्केट में यू नीड टू रियली गो एंड फिजिकली चेक द कार एश्योर्ड एंड देन ओनली बाय द कार, तभी इसी बात के मैं पैसे लेता हूँ. बिकॉज अदर दैन दैट, आप जो क्लेम ले रहे हो, वीडियो पर देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस गाड़ी का हमने वीडियो पर टोकन डाल दिया था, मैं वीडियो में भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्या प्रॉब्लम थी, बट लिटरली बैठ के ही जो पता लगता है वो बैठ के ही पता लगता है. तो वो और वो भी जिसको पता लगने वाला है उसी बंदे को पता लगता है. सो वी आर हेयर, लेट मी शो यू 0 to 100. आई एम एट 0 नाउ. सो हर एक गाड़ी में ऐसा टाइप किक डाउन होता है, तो आपको स्पोर्ट्स गियर डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किक डाउन इज द बेस्ट थिंग. 60, 80, 90. अब आगे कर्व है एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज ऑन डायनामिक मोड, भाई ये बहुत हाई स्पीड भी बहुत अच्छा कट करेंगे. अमाउंट 131 वैसे, यू कैन शो द मीटर इफ यू वांट. 150, 160. आई एम ऑन फुल थ्रॉटल टेकिंग दिस कर्व रोड. इट्स ऑन डायनामिक ऑल व्हील ड्राइव कार, फुल थ्रॉटल, मैंने थ्रॉटल ही पुश करी है. 181, 184. Already cutting this corner at 193, 196, 197, 198, 199. I'm at 201, 203, 204. I'm slow down. But this is the beauty of an all-wheel drive car in dynamic mode. This is a freaking more than 2-ton SUV. It is not a sports car. And that is the beauty of this car. And I can tell you that 130, 140 is the normal cruise that it goes. वैसे ये पहली बार मैंने गाड़ी 200 रुपए या कोई भी कार, बिकॉज कभी अच्छी रोड मिलती नहीं, तो मैं जान के इस रोड पे आया था टू शो यू दैट हाई स्पीड स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है. हम फॉर्च्यूनर्स की बात करते हैं, बाकी गाड़ियों की बात करते हैं, दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट. और 200 पे भी ये गाड़ी बहुत स्टेबल होती है. मेरी फटी पड़ी थी नो डाउट, बिकॉज आई वाज ऑन अ कर्व और मैंने कभी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाई लाइफ में, बट द कार इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्टेबल. एंड व्हाई, लेट मी टेल यू, दिल्ली से इसको भी चंडीगढ़ में 2.5-3 घंटे में ले आया था. 140-150 पर ये गाड़ी हैचबैक की तरह कट काट रही थी. I'm telling you with that road presence, but the car sticking to the ground like a hatchback because of its all-wheel drive and then because of its dynamic suspension and the car being so stiff. और यही यही जो chassis है, another thing, यही chassis Cayenne में भी है और यही chassis कहीं ना कहीं डेवलप होकर बाद में Lamborghini Urus में पड़ी. तो आप जो मर्जी इस बात का मजाक उड़ाओ नहीं उड़ाओ, but this is actually the truth. Volkswagen Group का जो पूरा ग्रुप है उसका सबसे लोअर रेंज है Volkswagen की नाम की, उसके ऊपर Audis, उसके ऊपर Porsches एंड देन Lamborghinis. सो दैट इज देयर होल रेंज. अगर आप उनकी चाबियां भी देखोगे, दे शेयर अ लॉट ऑफ देयर बिट पार्ट्स टुगेदर. सो ये बहुत बड़े आज ट्रूथ आपको बता रहा हूँ. सो व्हेन यू आर बाइंग दिस यूज्ड कार्स, और जब मुझे लोग बोलते हैं नहीं यार तो ऐसे है वैसे है, आई कैन नॉट टेल यू दैट
what's the DNA that you're buying, and you can experience that in every other car. Yes, you can make fun of me, I understand. आप बोलोगे मतलब तुम अगर अच्छा Lamborghini Urus वाली फील ले ली तुमने इतने लाख में, but this is true. This car was a 90 lakh car. Porsche Cayenne was a 1.4 crore car. This all you can get so much of fun, and this is a 35,000 चली गाड़ी. और अगर माइल्स की बात करो, फॉरेन में लोग कहते हैं कि 1,50,000 माइल्स के ऊपर वाली कार बूढ़ी होती है, उसमें इशू आते हैं. 1,50,000 माइल्स मतलब कि 2.5-3 लाख किलोमीटर्स. दिस इज 30,000 किलोमीटर्स. तो मैं वो वाली गाड़ियां ढूंढता हूँ जो मतलब कि, और जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ डेप्रिशिएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, वी कैन गेट दीज प्रिस्टीन कार्स इन सच अ ग्रेट वैल्यू. एंड दैट इज वाई आई लव बीइंग इन दिस बिजनेस, एंड दैट इज वाई आई लव ऑल्सो एंजॉइंग ऑल दीज कार्स. एंड दिस कार वी बॉट एट 14 lakhs, and I think this is a very good deal. And then जब मैंने कार ले ली और मैं दिल्ली से लाके लाया, तो जो ओनर है मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी कि सर आप प्लीज ये गाड़ी मैं ले लूँ. तो ये सर बेटा आप कोई और ढूंढ लेना, ये वाली तो मैं ही रखने वाला हूँ. एंड देन ये जो आपको दिख रहा होगा बाहर उतरा है, उसका कारण क्या है कि अब जो गाड़ियाँ पुरानी होती है उनमें बहुत कम लेवल का कुछ वेयर एंड टियर होता है. तभी मैं कहता हूँ जब भी आप मेरे थ्रू कार भी खरीदते हो, एक 40-50,000 का बजट अलग से लिया करो. इस गाड़ी में 40-50,000 नहीं लगे, इस गाड़ी में टायर्स नहीं थे, सब कुछ ऑलरेडी नया था इस गाड़ी में, बट हमारा आई थिंक 6-7,000 का खर्चा रहा है. वो कहाँ पे जो स्पीकर्स है, स्पीकर्स का भी बिकॉज विद एज कुछ वेयर एंड टियर होता है जो बहुत इजीली सॉल्वेबल होता है. जो गाड़ी बूढ़ी है या जो गाड़ी सही से मेंटेन नहीं है, उसका वेयर एंड टियर आप कभी भी सही नहीं कर सकते. बट जो गाड़ी बहुत कम चली है और खड़ी रही है, उसके अंदर वेयर एंड टियर क्या आता है कि आपके स्पीकर के अंदर जो कपड़े होते हैं कभी कभी उनमें क्रैक आ जाता है, तो स्पीकर फट जाते हैं. आपको लगता है कि साउंड सिस्टम गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पीकर रिपेयर हो जाते हैं, नया कपड़ा डल जाता है. तो वो डल रहा है, तो उसके स्पीकर अभी मैंने दिए हुए शॉप पे ठीक होने. तो उन्होंने भी कार को थोड़ा थोड़ा खोला था स्पीकर निकालने के लिए, उन्होंने भी इसको लॉक नहीं करा बिकॉज दे सेड कि आप एक बार अपना ड्राइव रिव्यू वगैरह जो भी आपको जरूरत है आप कार ले आओ, तो जब आप लाओगे तो हम स्पीकर करके सारा कुछ लॉक कर देंगे. नंबर वन. नंबर टू, जितने रबर पार्ट्स होते हैं वो विद एज हार्ड हो जाते हैं या विद एज वो यूजेबल नहीं रहते, तो आपको चेंज करने पड़ते हैं. दैट कैन बी एन ऑयल सीलेंट इन द इंजन, दैट कैन बी ब्रेक पैड्स, दैट कैन बी टायर्स, और दैट कैन बी बुश किट्स, जो बुश रबर होती है सस्पेंशन में, दैट कैन बी दोस थिंग, और इंजन माउंटिंग. तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप 40-50 का बजट लेके चला करो, जो चीजें इमीडिएटली चेंज करके आपकी गाड़ी फिर बैक टू एक्चुअली शोरूम कंडीशन आ जाती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल फिनोमिना. एंड नाउ आई एम ड्राइविंग इट स्लो बिकॉज थोड़ा ज्यादा एड्रेनलिन रश हो गया था, बिकॉज बट द कार वॉज एक्सट्रीमली स्टेबल. इट वॉज मी हू वॉज मेंटली जस्ट फ्रीकिंग आउट बिकॉज, एंड आई एम हैप्पी दैट दिस वाज सेफ रोड, आई कुड ड्राइव दिस ऑन द सेफ रोड. अदरवाइज मैं लोगों को रिस्क में नहीं डालता, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट देख के बहुत अवेयरनेस के साथ ही चलाते हैं. बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. आई कैन इवन शो यू अ कार, द वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स में डाली है जिसके अंदर जब मैं दिल्ली से आ रहा था एक्सप्रेस वे पर 140-150 पे, मैं रात को सिर्फ 2 घंटे सोया था और सुबह सुबह मुझे आना था, ओनली बिकॉज आई वॉज इन दिस कार, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बताता हूँ कि लोग एसयूवीज क्यों लेते हैं. बहुत सिंपल जो रियल सिचुएशन है वो, सेडान्स फिजिकली ज्यादा कंफर्टेबल होती है बिकॉज सेडान्स की ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, सॉरी सेडान नीचे होती है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होता है, तो जिसके कारण आप एक सेडान को सॉफ्टली भी सेटअप कर सकते हो और आप ज्यादा अच्छे कट भी मार सकते हो क्योंकि उनके अंदर बॉडी रोल नहीं होता, हाइट नहीं होती. तो एसयूवी ऊंची होती है, इनके अंदर बॉडी रोल ज्यादा होता है, तो कंपनी वालों को एसयूवी को स्टेबल रखने के लिए सस्पेंशन को स्टिफ करना पड़ता है, तभी एसयूवी में आपको खड्डे ज्यादा फील होते हैं, सेडान में आप बड़े प्यार से सोफा की तरह निकल जाते हो. नंबर वन. नंबर टू, एसयूवी, अब लोग कहते हैं यार हम तो एसयूवी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, उसका कारण क्या है, एसयूवीज आर मेंटली मोर कंफर्टेबल. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर इन एन एसयूवी यू सी मच फार्दर अहेड, आपके आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उसके भी आगे दिख रहा है. ये बहुत आप बात नोट करना, जब आप एसयूवी में होते हो आपको ऊंचा होते हो तो आपको ज्यादा दूर तक सड़क दिखती है, आपको ट्रैफिक के ज्यादा आगे तक दिखता है, आप नॉर्मल गाड़ियों के आगे भी देख पाते हो कि यार कि मेरे जो आगे कार जा रही है उसके आगे क्या चल रहा है, तो अगला कार वाला क्या करेगा. ड्राइविंग ऑन हाईवेज और ड्राइविंग ऑन इंडियन रोड्स और वेरेवर, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग. बट व्हेन यू आर इन अ स्मॉलर कार और व्हेन यू आर लोअर्ड कार, आपको आपके आगे कुछ नॉर्मल कार भी आ जाए आपको उसके आगे दिखेगा ही नहीं, तो यू आर ऑलवेज जस्ट मेंटल कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होती है कि मुझे अगर रैश भी चलाना है तो कैसे चलाना है, कहां से चलाना है, कहां से निकलना है, कहां से नहीं निकलना. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग्स दैट ऑडी हैज गिवन, एंड ओनली जो ऑडी लोग चला रहे हैं उन्हीं को पता चल सकता है, बिकॉज जब से ये वाली शेप वाला जो स्टीयरिंग आया ना, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग ऑडीज का है, दे आर द बेस्ट. इनकी जो प्रिसीजन है, जिस तरह से वेट पकड़ती है, जिस तरह से एक्सट्रीमली लाइट हो जाती है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीयरिंग दैट एनी कार कैन हैव. सो ये तो सबसे जबरदस्त स्टीयरिंग है ये. बट द पॉइंट इज कि एसयूवीज में आप कभी भी हाईवे ट्रिप्स करोगे, कुछ भी करोगे, आप मेंटली सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगे. ओनली बिकॉज आई हैड अ Q7, आई हैड टू कम बैक टू चंडीगढ़ फॉर सम वर्क, तो मैं दिल्ली से सुबह 6-7 बजे निकला एंड बाय 9:30 आई वाज हियर. तो इसलिए था, बिना नींद के, नॉर्मली मैं नींद नहीं मारता, इसलिए था बिकॉज मुझे पता था यार कि Q7 जानी है, और मैं लिटरली ऑलमोस्ट 60-70% मेंटल कॉन्शियसनेस में बहुत फास्ट कार लगा गया, बिकॉज इट वॉज सो इजी, आई कुड सी अहेड ऑफ एवरीवन, एवरी अदर कार यूज टू लुक सो स्मॉल. एंड बीइंग एट हाइट ड्राइविंग अ कार दैट कैन ड्राइव लाइक अ स्पोर्ट्स कार और अ हैचबैक इज अ बून, एंड ओनली दिस कार कैन डू दैट, नो अदर कार, नो अदर कार. एंड देन यू कैन,
टेक ऑल योर फैमिली टुगेदर, टेक सो मेनी पीपल टुगेदर, ये एक अलग ही वर्सेटाइल सिचुएशन है, तभी लोग Q7 के फैन है। एंड सेकंड हैंड मार्केट में आपको कोई भी गाड़ी किसी भी रेट में मिल जाती है, सबसे बड़ी बात है। तो आपको नई गाड़ी में तरह ये नहीं सोचना अच्छा मुझे बड़ी कार लेनी है तो 40-50 लाख खर्चने पड़ेंगे, थोड़ी छोटी लेनी है तो 25-30 लाख खर्चने पड़ेंगे। सो यूज कार में ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक हाउ कैन यू एक्चुअली फाइंड अ गुड कार, दैट इज व्हाई मी बीइंग द गुड कार हंटर आई एम हियर। बट द पॉइंट इज यही एक आर्ट है कि आपको गुड कार हंटर चाहिए, अगर वो मिल गया तो यू गेट बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड, अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। अनदर गुड थिंग आई वांट टू टेल यू, कि अभी क्या मन में आ रहा था भूल गया, हाँ मुझे लोग कहते हैं यार तू नई गाड़ी में रिव्यू क्यों नहीं कर रहा, भाई 14 लाख की मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, 22-23 लाख की सॉरी 24 लाख की मैं Cayenne सेल कर रहा हूँ, जो वर्जिन राइट हम लेकर आए हैं Porsche Cayenne, दैट्स लाइक वी आर सेलिंग इट विद वारंटीज एंड एवरीथिंग, इट्स अनदर ग्रेट थिंग इन माय गैरेज स्टैंडिंग राइट नाउ। तो यार 24 लाख की मैं Cayenne सेल कर रहा हूँ, कैन यू रियली एक्सपेक्ट मी कि मैं 23 लाख की Seltos लेके उसका रिव्यू करूँ और बताऊँ कि व्हाई दिस Seltos इज वर्थ 23 लाख्स, कैन यू इमेजिन दैट, वेयर आई एम ड्राइविंग अ Porsche Cayenne Lamborghini Urus Chassis फॉर 24 लाख्स, दैट आई एम सेलिंग इट 24 लाख्स, ऑब्वियसली 50-60 हज़ार हमारे भी मार देना है, 22-23 लाख मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करके दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस उसमें साथ इंक्लूडिंग है। बट द पॉइंट इज आप उसकी अगर 22.5 लाख एक्स्ट्रा वैल्यू लगाओ तो 22.5 लाख की गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ, जो हम सेल कर रहे हैं, वो चलाते हुए क्या मैं कभी एक हेक्टर को या उसको कभी लाइक कर पाऊंगा, दैट इज द रीजन वंस आई हैव स्टार्टेड लिविंग इन दिस वर्ल्ड मैं उन गाड़ियों को कभी लाइक ही नहीं कर पाता, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ, मतलब मुझे अपने आपको डाउनग्रेड करना पड़ता है तो एक्चुअली एक्सपीरियंस है। और इफ यू से यार कि मनी इज नॉट इन्वॉल्व तब एक्सपीरियंस करो तो और बात है, बट मैं बिना पैसों की कोई चीज को वो कर नहीं पाता, वैल्यूएट वैल्यूएशन ही उसकी पैसों से होती है। तो उस वर्ल्ड में वो गाड़ियां सारी फुद्दू हैं, एंड एवरीवन जो सेज यार यार ये तो 2013 की है या तो 2014 की है, ओहो ये तो हमने ना 2017-18 वाली लेनी चाहिए यार, वो तो ज्यादा पुरानी है, यार आपने साल का गाड़ी का क्या अचार डाल रहा है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, आप प्रोडक्ट देखो, उसकी कंडीशन देखो, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखो, जो आपको लग रहा है कि अगर गाड़ी 6-7 साल पुरानी तो चली नहीं है या कम चली है, जो बहुत अच्छी मेंटेन है, उसको क्या हो जाएगा यार, व्हाट विल हैपन ऑन टू दिस कार, वो अलग बात है यार कि सेकंड हैंड में रिस्क है कि पता नहीं चलेगा अच्छी मेंटेन नहीं मेंटेन, उसके लिए मैं हूं, वो अलग स्टोरी है, दैट इज अनदर थिंग, बट जस्ट दिस मेंटल, ओह यार 8 साल पुरानी गाड़ी, ओह 9 साल पुरानी, नहीं, हम तो ना नई वाली लेंगे जो 1.5 करोड़ में आती है ना, तो खर्च लो पैसे बेवकूफ की तरह उड़ा लो, व्हाट्स द होल पॉइंट। एंड नंबर टू आप लोगे भी नहीं, देन दोस पीपल आई हैव गॉट सो मेनी पीपल जो ना यही सोच रहे थे नहीं नहीं यार ये तो ना ऐसे है, नहीं हमने नहीं जो बकवास है 10 बॉक्सेस शिट बॉक्सेस आ रहे हैं ना जो 2-3 सेफ्टी रेटिंग वाले वो ले लेंगे, या जो नई गाड़ियां आ रही है ना ओवर एक्सपेंसिव हुई हम वो ले लेंगे, बट यार हमने ये जो बहुत जो लॉजिकली बड़ी सही लग रहा है सब कुछ वो नहीं लेंगे यार, सरकार का रूल आ गया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो यार इस रिस्क से तो अवर्स हो गए, लॉजिकली चलो दिल्ली में सिर्फ 10 साल का रूल है बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है, उसके अलावा कहीं पर ये रूल नहीं है ना आने वाला है। और आपको जब मैं बता रहा हूँ कि आपने कार आज लेके 2 साल के बाद आपको बेच देनी चाहिए तो क्या टेंशन है, एनी हाउ कोई भी गाड़ी के साथ आपको शादी नहीं करनी, उसको रखना नहीं चाहिए, न्यू गाड़ी भी अगर आप ले रहे हो हम हर बंदे को 1-2-3 साल का सिर्फ एक मार्जिन रख के उससे बाहर एग्जिट ले लेना चाहिए, इट्स नॉट योर होम, इट्स नॉट योर मैरिज, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस दैट यू आर बाइंग एंड यू आर गेटिंग, सो उस वैल्यू में आप कितने पैसे में क्या एक्सपीरियंस ले रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड यू शुड कंसीडर दैट। सो दिस वाज इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स दैट आई लव एंड आई विश आई वुड हैव हैड इट बिकॉज Q7 कम चली, मैं कहता हूँ कम क्या नहीं मिलती ना आगे, पर अब 99% चांसेस होता है कि वो नहीं मिलती, और देन अगर किसी को मिल जाती है किसी डीलर के हाथ लग जाती है तो वो इतनी महंगी बेच रहा होता है कि वो आउट ऑफ वैल्यू हो जाती है, तो ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, बट कंडीशन के हिसाब से द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग फॉर 14 लाख्स इज रियली रियली हाई, सो आई बिलीव दिस अ वेरी गुड डील एंड आई एम हैप्पी, एंड अदरवाइज द A3 हैज बीन डिलीवर्ड टू दैट गाय एंड ही इज लविंग इट ऑल, आज वो रोड ट्रिप पे जा रहा है, जल्दी जल्दी मैं उनकी वीडियो शेयर करूंगा, एंड ही इज लाइक भाई क्या कार है यार मजा आ गया, तो बैंगलोर गई है वो चल के गई है गाड़ी, उनके कोई रिलेटिव था वो कहते हैं ट्रेलर पे यार 7-8 दिन लगेंगे, वी कैन नॉट वेट, अब यार उनको दे दो वो गाड़ी चला के लाएंगे, बट द पॉइंट इज दिस इज द नेक्स्ट थिंग एंड दिस इज द बेस्ट कार यू कैन हैव इन योर गैरेज, और तभी जिसका Q7 है उसकी अलग ही ग्रेस होती है क्योंकि गाड़ी मिलती नहीं है अच्छी चली। तो थैंक यू दैट्स ऑल, एंड अभी 2-3 गाड़ी और पाइपलाइन में है तो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, एंड तब तक किसी को कार लेनी हो तो लेट मी नो, एंड किसी गाड़ी के बारे में कुछ पूछना हो इनके ड्राइव रिव्यूज कुछ और रिव्यूज, और अच्छी बात पता क्या है अब आप बोलो यार हर गाड़ी की तारीफ करता है, बिकॉज जो गाड़ी अच्छी नहीं है मैं खरीदता ही नहीं हूँ, जिन गाड़ी में ज्यादा बेस्ती करनी पड़ती है मैं लेता ही नहीं हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी आई हैव टू जस्ट मैं उन्हीं गाड़ियों में रिव्यू कर सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, सो आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम, अदर देन दैट जो न्यू यूट्यूबर्स हैं बेचारों को सबकी तारीफ करनी पड़ती है गाड़ी खराब हो तो भी बिकॉज उनको पैसे वहां से मिलता है, बट द पॉइंट इज आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन चूज एंड ड्राइव व्हाट आई रियली वांट टू, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं वो कहते हैं कि मेरे को ना जैगुआर लेनी है मेरे को ये लेनी वो लेनी है, आई एम टेलिंग यू कि हर बंदे के लिए अलग कार बनी है, देर आर कार दैट यू शुड नॉट बाय एज अ फर्स्ट टाइम लग्जरी कार बायर, तो मैं वो भी बताता हूँ, तो ऑब्वियसली तो मेरे चैनल पर रिव्यूज और गाड़ियां वही दिखेंगी जो आपको लेनी चाहिए, आपने मुझे नहीं भी हायर करना, आपको अपनी मार्केट में कोई अच्छी कार मिल रही है
तो आई एम टेलिंग यू दैट इन कार के प्रोस एंड कॉन्स क्या है। इसका एक ही नुकसान है, जो नुकसान नहीं है वो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं बड़ा हाई माइलेज वाला बंदा हूँ A6 और A3 चलाने के बाद, कि इस गाड़ी की माइलेज 12-13 है। तो क्योंकि Q5 से भी मैं निकाल लेता हूँ और A6 तो मैं 22-23 निकालते रहता हूँ और नॉर्मल स्पीड पे 15-16 शहर में दे देती है। तो ये जब आप शहर में चलाते हो तो ये गाड़ी की माइलेज 10-11 है, ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर एंडेवर वालों को आ जाता है। बट आप जब क्या नाम है इसको हाईवे पे चलाते हो तो ये गाड़ी 16-17-18 भी दे देती है। 17 की माइलेज मैंने पोर्शे कायन से निकाली थी, तो 17-18 भी ये गाड़ी दे देती है बट आराम से चलाने के लिए। बट आराम से चलाने का आपका मन नहीं करता, वो आपकी अलग प्रॉब्लम है। इसकी 80 की जो स्पीड आपको लगती है वो 140-150 की होती है। देन जैसे जैसे आप स्पीड फास्ट करते हो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉइसेस दैट कम इनटू द कैबिन, इस गाड़ी में वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए बिकॉज फॉरेन में ये गाड़ियां 180 पे क्रूज करती है, वहाँ पे स्पीड लिमिट ही ऐसी है कि 140 से नीचे नहीं चला सकते, 200 से ऊपर नहीं चला सकते। तो 170-180 इनकी नॉर्मल स्पीड है, तो 170-180 पे ये गाड़ियां बहुत नॉर्मली चल रही होती है, इंजन इनका ठंडा होता है, तो 170-180 के हिसाब से गाड़ियां बिल्ड होती है। इनमें कोई विंड नॉइस कुछ नहीं होता, इवन एट 150-160 इफ यू आर क्रूजिंग आपको लगेगा, कैबिन में किसी को नहीं लगेगा कि आप 60-70 से ऊपर जा रहे हो। दैट इज द ग्रेट इंजीनियरिंग दिस कार्स लिव विद। That is why I also love this car. So there are some shots also that I would have, I don't know, मैंने उसको वीडियो में डाल दिया होगा, बाद में डालूंगा। कल पहाड़ों पे गाड़ी चलाई थी, the way the car sticks to the mountain road and everything, because माउंटेन पे आप अच्छे फील कर सकते हो कि ऑल व्हील ड्राइव, जैसे मैंने एक कॉर्नर दिखाया, तो माउंटेन पे आप अच्छे से फील कर सकते हो कि आप कैसे जितनी कॉम्पैक्ट हैचबैक्स है, जितनी बाकी गाड़ियां उनसे ज्यादा चिपक के आप इतनी बड़ी कार कैसे पहाड़ों पे लेके जा पा रहे हो। इट्स सो इजी, गो सो वेल। एंड देन देयर वाज आल्सो, मेरे को एक और फोर व्हील ड्राइव फॉर्च्यूनर मिली थी जिसका मैंने थोड़ा सा ट्रिगर करा, फिर वो भगा रहा था, वो बेचारा मैं पूरा जोर लगा रहा था, बट यू कैन सी इन दैट वीडियो कि वो फोर व्हील ड्राइव एसयूवी कितनी कंफर्टेबली चिपक के चल रही थी। बिकॉज आई वांट टू मेक इट दैट वीडियो कि फोर व्हील ड्राइव या 4x4 का क्या फायदा होता है अपार्ट फ्रॉम जस्ट ऑफ रोडिंग, इट्स लाइक 4x4 ऑन रोडिंग। तो उस ऑन रोडिंग वाली वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि फॉर्च्यूनर कितनी कंफर्टेबली जा रही थी, नो डाउट उसकी पावर उतनी नहीं थी, और मैं उसकी टेल पे बिल्कुल ऐसे चिपके बैठा था, ओवरटेक भी नहीं कर रहा था, उसको तंग कर रहा था, बिकॉज मेरी कार में थोड़ी सी थ्रॉटल में भी बहुत ज्यादा पावर थी। तो इट्स 250 bhp, 500 प्लस एनएम ऑफ टॉर्क, 550 एनएम ऑफ टॉर्क, व्हिच इज लाइक रियली ह्यूज। सो देयर इज नो कंपैरिजन इन बिटवीन टू दिस कार, और ये सबसे छोटा इंजन है, आई थिंक आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो दैट इज द मेन थिंग, एंड आई थिंक यू कैन एंजॉय द शॉट्स, यू कैन एंजॉय द होल थिंग, एंड I just want to share my experience of this car because today evening this car is going, and I really had a lot of fun, and thank you, bye bye, Tata.